नगरी का विवाद लंबे समय चलने के बाद समाप्त हो गया। न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला आते ही लोगों में काफी खुशियां देखी जा रही हैं। संत कबीर नगर में सभी लोग न्यायालय के फैसले को सहज स्वीकार कर रहे हैं। बात प्रशासन की कर लें तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गांव से लेकर शहरों तक फ्लैग्स मार्च करते हुए लोगों से यह अपील की जा रही है, किसी भी तरह का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना करें और सोशल मीडिया पर भी न्यायालय के फैसले के विपरीत या फिर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें और सभी लोग न्यायालय के फैसले को साहस स्वीकार करें। और इस ऐतिहासिक फैसले से हिंदू मुस्लिम के पक्षों ने गंगा जमुना की तहजीब को रखते हुए न्यायालय के फैसले को स्वीकार करके ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। सर, मैं इतना जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की मंदिर है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और हक फैसला हुआ है, लिहाजा मैं इस फैसले से बहुत सहमत के पूरे दिल और जान से सहमत हूँ और बड़ी तारीफ और बड़ी उम्मीद है मुझे कि मेरे देशवासी इस पे इत्मीनान से हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहेंगे, कोई आपस में किसी बात की शिकायत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, जो खोपड़ी में घुसा वो शैतान बुरा है। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं दिलोजान से, देशवासियों से अपील करते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर अपने साथ रहें, हमारे वतन में मोहब्बत अमन चैन कायम रहे। लगभग 500 वर्ष लगे इस फैसले को आने में, लेकिन जो भी फैसला रहा हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा, जिसमें सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो और जो है फैसला किया गया है, इससे देश का प्रेम सौहार्द बना रहेगा और हमारे देश में जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, देश की अखंडता वो बनी रहेगी, इससे देश आगे बढ़ेगा।